बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई वो है नवाबी मीठा, जो बहुत ही इजी और बहुत जल्दी बन जाता है, और मेहमान एक दफ़ा आप मेरे कहने पे लाजमी बनाइएगा, और आपके घर जो गेस्ट आए होंगे वो भी वाह वाह करेंगे कि आप कैजुअल भी मीठा ये बना के आप खा सकते हैं। तो चले अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखना है, ये मैंने सॉस पैन रख दिया है, इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। चले जी, टोटल इसमें 1.5 लीटर दूध इस्तेमाल होगा। ये मैंने लीटर का, ये मेरा मग है, ये डालूँगी। बिस्मिल्लाह, मैंने ऑलरेडी पहले ऑन किया हुआ था। फुल क्रीमी मिल्क लेना है, चलें जी फ्लेम ऑन करके। ये मैंने 1.5 किलो मैंने दूध लिया था, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलें जी, ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी। चलें जी, हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, तब तक ये मैंने ब्रिक सेवइयां ली हैं 150 ग्राम, इनको अच्छे से हम तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे बिल्कुल। ऑलरेडी मैंने इनको तोड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ये थी, इनको बिल्कुल ब्रेक करना है, तब तक हमारा घी भी गर्म हो जाएगा। घी हमारा मेल्ट हो गया, अब मैं इसमें सेवइयां ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इनको अच्छे से हम घी में भून लेंगे। हमारी सेवइयां अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। टोटल इसमें 1.5 कप मैं पानी ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाह, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें 1/2 कप चीनी ऐड करूंगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम अपनी सेवइयों को ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। चलें जी, अपने दूध को हम चेक कर लेते हैं, इसे 1/2 घंटा हो गया पकते हुए। अब मैं इसमें चावल का आटा ऐड करूंगी, जो मैंने 1 कप लिया है। इसमें हम इसे ऐसे ही हमने ऐड करना चावल के आटे को, इसे एक बाउल में ऐड करूंगी चावल के आटे को। चलें जी, अब मैं इसमें 1.5 कप हम दूध का ऐड कर देंगे। चलें
टोटल हमारी इस रेसिपी में 2 लीटर दूध यूज़ होगा। इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें सेवइयाँ हम अपनी चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन तैयार हो गई हैं। इसे मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी ताकि ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। ये फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। ये ठंडी हो रही है तब तक हम अपनी ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलें जी, हमने चावल का आटा और जो दूध का मिक्सचर तैयार किया था वो हम अपने दूध में ऐड कर लेंगे। दूध पकने के लिए रखा हुआ था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, हमने जो चावलों की फिनी तैयार की थी ठीक होने लग गई है। अभी हम इसे और गाढ़ा करेंगे। आंच हमने बिल्कुल दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। चलिए ये देखें, हमारी फिनी अच्छे से देखें गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें इलायची का पाउडर ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर है, ये ऐड कर दूंगी। इसको हम अच्छे से कर लेंगे। अब हंसबे ज़रूरत मैं इसमें मीठा ऐड करूँगी। चलें जी, अब मैं इसमें 1/2 कप मैंने चीनी ली है, ये ऐड कर दूँगी। क्योंकि हमारी सेवइयाँ ऑलरेडी मीठी थी, उसमें भी मैंने मीठा ऐड किया हुआ था। चलें, हमारी फिन बिल्कुल रेडी है। फ्लेम मैं करती थी वो चलें। अब हम अपनी रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फाइनल लुक तो नहीं है, आगे जाके अभी भी इसके काम हैं, लेकिन चले आए इसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेयर लगाएंगे सेवइयों की। पूरी ट्रे में सेवइयों की लेयर लगा लेनी है।
साइड पे अच्छे से हम खिला के चीनी डालेंगे। चलें जी, इस पे फिर मैं सेवइयों की लेयर लगाऊंगी उसी तरह। बच्चों वाली माओ की वीडियो बनानी बहुत मुश्किल होती है। मेरा छोटा बेटा है, मुझे इतना तंग करता है। चलें जी, ये है हमारे नवाबी मीठा की लुक। आपने अपना कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज लाइक शेयर कर दिया करें। आप तो करते ही नहीं हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट भी किया करें अच्छा सा, और लाइक शेयर भी किया करें अपने अपनी बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबसे सबके साथ शेयर किया करें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ। अब ये फुल ठंडा करके इसे मेहमानों को पेश कीजिएगा। ये जितना ठंडा हो गई उतना ही मज़ा देगी। तो मेरे तो मैंने गर्म गर्म के साथ ही डेकोरेशन कर दी है, तो आप इसे ठंडा फुल करके तो फिर ही पेश कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।